बॉलीवुड इंडस्ट्री में 90 का दशक वाकई सबसे सफल दशक रहा है, जिसका सारा क्रेडिट जाता है उस दौर के एक्ट्रेस को, जिन्होंने अपनी दमदार अदाकारी के साथ कई हिट फिल्में दी और 90 के दशक को ऊंचाइयों पर पहुंचाकर खूब सफलता हासिल की थी। इसलिए तो आज भले ही 90 का दशक ना रहा हो, पर आज भी उस दौर के एक्ट्रेस दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप 90 के दशक के उन मशहूर एक्ट्रेस के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं उन सभी एक्ट्रेस की बेटियों के बारे में? जी हाँ, उस दौर के सभी एक्ट्रेस आज एक या दो बेटियों के पापा बन चुके हैं, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत हैं, पर अफसोस उनकी उन एक्ट्रेस की बेटियों की खूबसूरती से अब तक कोई भी रूबरू नहीं हुआ है। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको 90 के दशक पर राज करने वाली 15 एक्ट्रेस की रियल लाइफ खूबसूरत बेटियों से रूबरू कराने वाले हैं। फिर आइए जानते हैं कौन से हैं वो एक्ट्रेस। नंबर एक, अनिल कपूर। 90 के दशक के टॉप के एक्टर थे अनिल कपूर, जिन्होंने कई यादगार फिल्में हमें दी है। लेकिन अगर बात करें इनकी बेटी के बारे में, तो आपको बता दें कि इनकी दो बेटियां हैं, जिसका नाम सोनम और रिया है। इनकी बड़ी बेटी सोनम एक अभिनेत्री है, जिन्होंने खूबसूरत, प्रेम रतन धन पायो, नीरजा और डॉली की डोली जैसी कई हिट फिल्में बॉलीवुड को दी है। पर वे बिजनेसमैन आनंद आहूजा से साल 2018 में शादी कर अपने करियर को विराम दे चुकी हैं। वहीं इनकी छोटी बेटी रिया पेशे से एक फिल्म निर्माता है, जिन्होंने खूबसूरत, आलिशा और वीरे दी वेडिंग जैसी फिल्मों का निर्माण किया है, पर अपनी निजी जिंदगी में वो फिलहाल सिंगल हैं। नंबर दो, चंकी पांडे। एक्टर चंकी पांडे ने 90 के दशक में कई एक्टरों के साथ फिल्मों के बतौर सपोर्टिंग रोल कर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। लेकिन अगर बात करें इनकी बेटी के बारे में, तो आपको बता दें कि इनकी भी दो बेटियां हैं, जिसमें बड़ी बेटी अनन्या पांडे स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से अपना डेब्यू कर चुकी है और अब तक पति पत्नी और वो और खाली पीली जैसी कई फिल्मों में काम कर चुकी है। साथ ही इन दिनों वे करण जय सिंह को डेट कर रही हैं। वहीं बात करें इनकी छोटी बेटी के बारे में, तो उनका नाम रायसा पांडे है, जो अभी 15 साल की है और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर रही हैं। नंबर तीन, संजय दत्त। अच्छे नायक के साथ साथ एक अच्छे खलनायक भी बनकर उभरे थे संजय दत्त 90 के दशक में। लेकिन अगर बात की जाए इनकी बेटी के बारे में, तो आपको बता दें कि इनकी दो बेटियां हैं, जिनमें एक का नाम इकरा है और दूसरी बेटी का नाम त्रिशाला है, जिनमें से त्रिशाला इनकी बड़ी बेटी है, जो इनकी पहली पत्नी से है। वे अपने नाना नानी के साथ न्यूयॉर्क में रहती हैं और वहां रहकर वे साइकोथेरेपिस्ट के रूप में काम कर रही हैं। इसके साथ ही न्यूयॉर्क की एक संस्था ड्रीम ड्रेसर हेयर एक्सटेंशन की वे फाउंडर भी हैं। वह इनकी छोटी बेटी इकरा इनकी तीसरी पत्नी मान्यता दत्त की बेटी है। वे वर्तमान में 9 साल की हैं और धीरू भाई अंबानी के स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रही हैं। नंबर चार, संजय कपूर। 90 के दशक में सिर्फ तुम जैसी यादगार फिल्म देने वाले एक्टर हैं संजय कपूर, जिन्हें आज भी दर्शक बेहद याद करते हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी बेटी के बारे में, तो इनकी एक बेटी है, जिसका नाम शनाया है। वे अभी वर्तमान में 21 साल की है। अब तक वे बतौर मॉडल इंडस्ट्री में काम कर रही थी, पर अब वे जल्द ही करण जौहर की फिल्म के साथ बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही हैं। पर फिल्म कौन सी है, उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। नंबर पांच, शाहरुख खान। शाहरुख खान ने अपने रोमांटिक अंदाज के साथ 90 के दशक को प्यार भरा दशक बना दिया था। लेकिन अगर बात करें इनकी बेटी के बारे में, तो आपको बता दें कि इनकी केवल एक बेटी है, जिसका नाम सुहाना खान है। वे अभी 20 साल की हैं और अपनी पढ़ाई कर रही हैं। बेशक वे अभी इंडस्ट्री में नहीं आई हों, पर आए दिन वे कभी अपने स्टाइल को लेकर तो कभी कपड़ों और शूज के साथ मीडिया की सुर्खियां बटोरती नजर आती हैं। नंबर छह, आमिर खान। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान 90 के दशक की जान थे, जिन्होंने अपने परफेक्ट अभिनय के साथ उस दौर में 4 चांद लगा दिए थे। लेकिन अगर बात करें इनकी रियल लाइफ बेटी के बारे में, तो आपको बता दें कि इनकी एक बेटी है, जिसका नाम आमिरा खान है। वे वर्तमान में 24 साल की है और बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रही हैं। नंबर सात, आदित्य पंचोली। 90 के दशक की फिल्मों के हैंडसम खलनायक थे आदित्य पंचोली, जिन्होंने फिल्म के हीरो को भी फेल कर दिया था। लेकिन अगर बात करें इनकी रियल लाइफ बेटी के बारे में, तो उनका नाम सना पंचोली है, जो वर्तमान में अभी 22 साल की है। आपको बता दें कि इनकी बेटी को कभी एक्टिंग में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो आज एक्टिंग ना कर बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम कर रही हैं। नंबर आठ, अर्जुन रामपाल। अर्जुन रामपाल बॉलीवुड का वो सितारा है, जो भले ही कभी बहुत
सुपरस्टार नहीं रहे, लेकिन इनके कुछ खास किरदारों ने अक्सर पर्दे पर छाप छोड़ी। लेकिन अगर बात करें इनके बेटी के बारे में, तो आपको बता दें कि इनकी पहली पत्नी से इन्हें दो बेटियां हैं, जिसका नाम महिका और मायरा है, जिनमें से महिका भी 18 साल की है और बतौर मॉडल काम कर रही है। वहीं अब जल्द ही बॉलीवुड में अपना डेब्यू भी करने वाली है। वहीं बात करें मायरा के बारे में, तो फिलहाल वो अभी 15 साल की है और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही है। नंबर 9, चंद्रचूर सिंह। 90 के दशक के चॉकलेटी हीरो थे चंद्रचूर सिंह, जिन्होंने अपने हैंडसम लुक के साथ सभी को अपना दीवाना बनाया था। लेकिन अगर बात करें इनकी बेटी के बारे में, तो आपको बता दें कि इनकी कोई बेटी नहीं है, इनका केवल एक बेटा है। नंबर 10, सैफ अली खान। नवाब सैफ अली खान ने 90 के दशक में कई सुपर डुपर हिट फिल्मों के साथ दर्शकों को अपना दीवाना बनाया था। लेकिन अगर बात करें इनकी बेटी के बारे में, तो आपको बता दें कि इनकी केवल एक ही बेटी है, जो इनकी पहली पत्नी अमृता सिंह से है और इनका नाम सारा खान है। वे वर्तमान में अपने पिता की तरह ही फिल्मों में एक्टिंग कर रही हैं और अब तक केदारनाथ, लव आजकल, सिम्बा और कूली नंबर 1 जैसी कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। नंबर 11, गोविंदा। 90 के दशक में राजा बाबू, शोला और शबनम, दुल्हे राजा और कूली नंबर 1 जैसी हिट फिल्में देने वाले एक्टर हैं गोविंदा। लेकिन अगर बात करें इनकी बेटी के बारे में, तो आपको बता दें कि इनकी केवल एक ही बेटी है, जिसका नाम टीना आहूजा है, जो इन्हीं की तरह एक्ट्रेस है और अब तक सेकंड हैंडसम हस्बैंड जैसी फिल्मों में काम कर चुकी है। इसके अलावा वे एक फैशन डिजाइनर भी है। नंबर 12, सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी 90 के दशक के एक्शन हीरो रहे हैं, जिन्होंने बलवान, मोहरा और कृष्णा जैसी कई फिल्मों में अपने दमदार एक्शन से जलवा दिखाया है। लेकिन अगर बात करें इनकी बेटी के बारे में, तो आपको बता दें कि उनका नाम अथाया शेट्टी है, जो वर्तमान में 28 साल की है और अपने पिता के नक्श कदम पर चलकर एक्ट्रेस बन गई है। नंबर 13, फरदीन खान। फरदीन खान 90 के दशक के वो एक्टर हैं जो भले ही पर्दे पर छाए नहीं, लेकिन इनके चार्म लुक के चलते इनकी फैन की संख्या काफी बड़े स्टार की तरह ही थी। लेकिन अगर बात करें इनकी बेटी के बारे में, तो आपको बता दें कि इनकी एक बेटी है, जिसका नाम डायनी जबेल खान है, जो वर्तमान में अभी 7 साल की है और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही है। नंबर 14, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने 90 के दशक में बॉलीवुड में एंट्री ली और अपनी मेहनत के साथ उस दौर के सुपर एक्टर बनकर उभरे थे। लेकिन अगर बात करें कि रियल लाइफ बेटी के बारे में, तो आपको बता दें कि इनकी एक बेटी है, जिसका नाम नितारा है। वे अभी 8 साल की हैं और इकोल मॉडल स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रही है। बेशक वे अभी काफी छोटी है, पर इस छोटी सी उम्र में वे काफी अच्छा मार्शल आर्ट करती है। नंबर 15, अजय देवगन। अजय देवगन ने 90 के दशक में कभी अपने जबरदस्त स्टंट से तो कभी अपने रोमांस से सभी का दिल जीता है। लेकिन अगर बात करें इनकी रियल लाइफ बेटी की, तो इनकी एक बेटी का नाम है, जिसका नाम नयासा देवकन है। वे अभी फिलहाल 16 साल की हैं और अपनी पढ़ाई कर रही हैं, पर वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से किस एक्टर की बेटी सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही रिश्ते नातों की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।